कल अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया था पूरा। फर्स्ट पॉइंट में देखो कोई डाउट, फिर बोल रहा हूँ डाउट्स कैरी मत करना, बेसिक चैप्टर है अभी ये। हो गया फर्स्ट, चार्ट बनाए थे, क्लियर है वो। चलो पॉइंट नंबर सेकंड अभी नहीं देखना है, अब आप सीधे आ जाइए पॉइंट नंबर फिफ्थ। किस पॉइंट पे आना है? पॉइंट नंबर फिफ्थ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पॉइंट नंबर फिफ्थ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मिला? मैं आज यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा जीएसटी का थोड़ा थोड़ा बेसिक अपने को कवर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है? जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कौन सा टैक्स है ये? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अब समझना, कुछ पुराना बता रहा हूं। नोट नहीं करना है, सिर्फ अभी बोर्ड पे देखते जाना बेटा। जब हम टैक्सेशन की बात करेंगे इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन दो कैटेगरी में डिवाइड था। कितनी कैटेगरी में डिवाइड था? दो। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओरिजिन बेस्ड। इसे और हम क्या बोलते थे? ओबीटी, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। और दूसरा जो है वो कौन सा है? कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अगर अपन देखेंगे तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गया? दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओरिजिन बेस्ड और दूसरा क्या हो गया? कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड। ये समझना, ये जब तक समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिकल में दिक्कत जाएगी, कलेक्शन में दिक्कत जाएगी। क्लियर? जीएसटी सॉरी टैक्सेशन कितने इसमें डिवाइड हो गया? दो इसमें डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड। तो सर ओरिजिन बेस्ड कौन कौन से टैक्सेस थे? वैट ऑब्लिक सीएसटी, वैट ऑब्लिक सीएसटी, ये कौन से टैक्सेशन थे? ओरिजिन बेस्ड। मतलब ओरिजिन बेस्ड कब चलता था? ओल्ड स्ट्रक्चर। ओरिजिन बेस्ड कब चलता था? ओल्ड स्ट्रक्चर। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना, अब मान लो एक्स नाम का एक बंदा है, ये सेलर है। क्या है? सेलर। इसने गुड्स किसको सेल किए? वाई। वाई कौन हो गया? बायर। बाय कौन हो गया? बायर। ये जो सेलर है ये रहता है फॉर एग्जाम्पल पुणे, और बायर दिल्ली। ओल्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं? ओल्ड। जल्दी मुझे बताओ कौन सा टैक्स लगेगा? सीएसटी लगेगा कि वैट लगेगा? ओल्ड स्ट्रक्चर में इंटर स्टेट सेल है, पक्का इंटर स्टेट सेल है? इंटर स्टेट सेल है तो क्या लगेगा? सीएसटी। सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर? अब टैक्स किस स्टेट को मिलेगा? टैक्स किस स्टेट को मिलेगा? किस स्टेट से सेल हुआ? किस स्टेट से सेल हुआ? महाराष्ट्र। तो टैक्स का पैसा भी किसके पास जाएगा? क्यों? रीजन सेल नहीं बेटा, रीजन ओरिजिन बेस्ड। जिस स्टेट से सेल होगा उस स्टेट को पैसा जब मिलता है तो वो कौन सा टैक्सेशन कहलाता है? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। तो यहां पे सीएसटी जो टैक्स है, ये जो टैक्स है ये किस स्टेट को जाएगा? ना, चलो पुणे, चल मान लिया पुणे। क्लियर? क्यों ऐसा? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। क्लियर?
तो हमारा पुराना वाला जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो कौन से स्ट्रक्चर पे बेस्ड था? ओरिजिन बेस्ड। अब जीएसटी में नाम ही क्या है उसका? जीएसटी का नाम ही क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। अब सेम एग्जांपल, एक्स नाम का एक बंदा है, वाई, एक्स सेलर, वाई परचेजर, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सा सप्लाई है? ये फॉर एग्जांपल पुणे और ये दिल्ली, जल्दी बोलो कौन सा सप्लाई है? इंटर स्टेट, कौन सा सप्लाई है? इंटर स्टेट। बेटा कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। अब मुझे बताओ ये आईजीएसटी जो टैक्स लगा है, टैक्स किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा, छोड़ दो अभी, किस स्टेट को मिलेगा? एक पार्ट तो सेंट्रल के पास चला जाएगा, एक पार्ट जो बचेगा वो पुणे में मिलेगा कि दिल्ली में? दिल्ली को। क्यों? कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। क्लियर हुआ? तो जीएसटी क्या है? जीएसटी में किस स्टेट को फायदा होगा? उस स्टेट को फायदा होगा जहां पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होंगे। मैंने बैंगलोर से मोबाइल बुलाया, मोबाइल मेरे घर पे डिलीवर हुआ, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर, प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे, क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की आईजीएसटी? आईजीएसटी। एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, दूसरा पार्ट किस स्टेट को मिलेगा? महाराष्ट्र को। क्यों? कंजम्पशन कहां पे हो रहा है? महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कितने तरीके से हो सकता है? सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और दूसरा कंजम्पशन बेस्ड। सेल टैक्स और वैट क्या थे? सेल टैक्स और वैट क्या थे? जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस। समझ में आ गया कंजम्पशन बेस? तो इसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई है। क्लियर हुआ? किस स्टेट को ज्यादा फायदा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कि कंज्यूमिंग स्टेट को? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कब फायदा था? ओरिजिन बेस्ड में। क्लियर हुआ? इसीलिए कई सारे स्टेट्स किसके अगेंस्ट थे? जीएसटी के अगेंस्ट। रीजन समझ में आया? आज क्या प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि जिस स्टेट में गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होंगे रेवेन्यू उसको मिलेगी। सेल टैक्स और वैट में क्या था? जिस स्टेट से सेल होगा उस स्टेट को। क्लियर? कितने चार्ट हो गए थे कल? चार ना। चलो ये फिफ्थ नंबर का नोट डाउन करो। तो सर टैक्सेशन का स्ट्रक्चर कितने इसमें डिवाइड हो गया? सर टैक्सेशन का स्ट्रक्चर दो इसमें डिवाइड हो गया, फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और सेकेंड वन इज कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड। ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या यूज होता था? ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या यूज होता था? ओरिजिन बेस्ड। और जीएसटी में क्या यूज हो रहा है? कंजम्पशन। ओरिजिन बेस्ड में टैक्स किसको मिलता था? जिस स्टेट से सेल हो रहा है। और कंजम्पशन बेस्ड में जहां पे गुड्स और सर्विसेज क्या हो रहे हैं? कंज्यूम।
क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड। सेल टैक्स और वैट क्या थे? ओरिजिन बेस्ड किसको बेनिफिट देता था? मैन्युफैक्चरिंग। और जीएसटी किसको बेनिफिट दे रहा है? कंजम्पशन बेस्ड। डन। चलो पॉइंट नंबर फिफ्थ में, फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वैट प्रिंसिपल। अब वैट प्रिंसिपल आपको प्रैक्टिकल करते टाइम समझ में आएगा। तो वैट का सिंपल फंडा क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी आप वैल्यू ऐड करोगे उस पे टैक्स पे करना है, जितनी वैल्यू आप ऐड करोगे उस पे टैक्स पे करना है। ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? वैट प्रिंसिपल। तो जीएसटी सबसे पहले कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वैट प्रिंसिपल। व्हाट इज वैट प्रिंसिपल? वैल्यू एडेड टैक्स। अभी मैं नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल जैसे बताया था ना, 13 प्रैक्टिकल है, तो जब कंप्लीट करेंगे अपन तो उसमें अपने को समझ में आ जाएगा कि वैट प्रिंसिपल क्या है। पॉइंट नंबर ए देखो आप उसमें, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू किस स्टेट को मिलेगा? जहां पे गुड्स और सर्विसेज क्या होंगी? कंज्यूम। सेल टैक्स में रेवेन्यू किस स्टेट को मिलता था? जहां से गुड्स और सर्विसेज सेल हो रही है या सप्लाई। इट इज प्रपोज टू बी लेवीड एट ऑल स्टेजेस। कहां से लगना चालू हो जाता है? मैन्युफैक्चर से लेके फाइनल कंजम्पशन, जिसमें आपको क्या मिलता है? क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेजेस इज अवेलेबल एज सेट ऑफ। इसे बोला जाता है ITC। क्या बोला जाता है? ITC। व्हाट इज ITC? इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज ITC? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से स्टार्ट होता है, कब तक लगता है? फाइनल स्टेज। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जो टैक्स आपने पहले पे करके रखा है उसका आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। उस क्रेडिट को क्या बोलेंगे हम? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सुनना है ध्यान से। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साल भर में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, टोटल फीस कलेक्ट हुई 10 लाख प्लस जीएसटी। टोटल फीस कितनी कलेक्ट हुई? 10 लाख प्लस जीएसटी। तो भाई प्लस का आपने बोला सर रेट क्या है जीएसटी का, मैंने बोला 18%। तो 10 लाख पे कितना जीएसटी कलेक्ट करूंगा मैं स्टूडेंट से? 1,80,000। क्लियर। मेरे लिए ये इनपुट है कि आउटपुट? आपको पढ़ा रहा हूं ना, आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ। पर उसी साल मैंने ये कैमरा परचेज किया था। क्या परचेज किया था? कैमरा। कैमरे पे मैंने क्या पे किया होगा? जीएसटी। प्रोजेक्टर क्या पे किया होगा? जीएसटी। लैपटॉप क्या पे किया होगा? जीएसटी। नोट्स पे क्या पे किया होगा? जीएसटी। तो मैं सारे जीएसटी का क्या ले लूंगा? क्या ले लूंगा? क्रेडिट। अभी ये मेरे लिए कौन सा टैक्स है? इनपुट टैक्स है कि आउटपुट टैक्स? आपसे जो कलेक्ट किया ये कौन सा टैक्स है? आउटपुट। नोट्स पे जो पे किया, मेरी रेडीमेड शर्ट्स की फैक्ट्री है, शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा सबसे पहले? अरे रॉ मटेरियल में क्या? कॉटन। कॉटन से शर्ट बनाऊंगा। फिर देखो घुमा रहा है मेरे को। अबे शर्ट कैसे बनाऊंगा? क्लोथ से। जैसी क्लोथ फैक्ट्री में आएगा, इनवर्ड सप्लाई कि आउटवर्ड सप्लाई? क्लोथ फैक्ट्री में आया, इनवर्ड। इनवर्ड पे मैंने क्या पे किया होगा? इनपुट टैक्स। इनवर्ट पे हमेशा कौन सा टैक्स जाता है? इनपुट टैक्स। इस क्लोथ से मैंने शर्ट बनाया और शर्ट को सेल किया, अब कौन सा टैक्स आएगा? आउटपुट टैक्स। क्लियर। मैं शर्ट पे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, काय का टैक्स माइनस करूंगा। जो मैंने क्लोथ पे टैक्स पे किया होगा ना, उसका मुझे क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ या क्रेडिट। क्लियर। क्रेडिट समझ में आया? कैसे मिलेगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट से जो फीस आई, इनपुट टैक्स की आउटपुट टैक्स? तुम हमको पढ़ा रहे कि हम तुमको पढ़ा रहे? यार जल्दी नहीं करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट से जो टैक्स कलेक्ट होगा इनपुट टैक्स है कि आउटपुट टैक्स? कोचिंग के लिए तीन इनपुट टैक्स बताओ कौन कौन से हैं? कैमरा, नोट्स, प्रोजेक्टर, लैपटॉप। इसका क्रेडिट मिल जाएगा?
इस क्रेडिट को क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? एक फैक्ट्री है, शर्ट्स बनाती है, क्लोथ परचेज किया, कौन सा टैक्स पे किया होगा? बटन परचेज की, इनपुट टैक्स। सिलाई मशीन परचेज की, इनपुट टैक्स। क्लियर? इससे शर्ट बना के सेल किया, कौन सा टैक्स कलेक्ट होगा? आउटपुट टैक्स। इस आउटपुट टैक्स में से किस किस चीज का क्रेडिट मिल जाएगा? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स काय काय पे किया था? क्लोथ पे किया था, बटन पे किया था, सिलाई मशीन पे किया था। क्लियर? जो बैलेंस बचेगा वो आपको क्या करना है? पे। तो वैट, सॉरी, जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको क्या मिल जाता है? क्रेडिट। किस चीज का क्रेडिट मिल जाता है? जो टैक्स आपने काय पे किया था? इनपुट पे। जो टैक्स आपने काय पे किया था? इनपुट पे। क्लियर? व्हाट इज इनपुट टैक्स? व्हाट इज इनपुट टैक्स? टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज नोन एज इनपुट टैक्स। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज नोन एज आउटपुट टैक्स। क्लियर? एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। हम आपसे जो कलेक्ट करेंगे वो कौन सा टैक्स है? क्लियर? प्रिंटर को जो पे करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, इनपुट टैक्स। क्लियर? कंप्यूटर रिपेयर करने वाले को जो टैक्स पे कर रहे हैं, इनपुट टैक्स। कंप्यूटर परचेज किया, इनपुट टैक्स। कंप्यूटर परचेज किया, इनपुट टैक्स। क्लियर? कैमरा परचेज किया, इनपुट टैक्स। अब एक बात बताओ, कैमरा कैपिटल गुड्स है कि रॉ मटेरियल है? कैपिटल गुड्स है ना, तो कैपिटल गुड्स पे भी आप जो टैक्स पे करोगे उसका भी आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। क्लियर? जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट बोलो क्या है? प्रीवियस स्टेजेस पे आपने जितने भी टैक्सेस पे किए हैं उसका आप क्या क्लेम कर सकते हो? क्रेडिट। तो जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वैट प्रिंसिपल। व्हाट इज वैट प्रिंसिपल? वैल्यू एडेड टैक्स। प्रैक्टिकल में देखेंगे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? प्रीवियस स्टेज पे आपने जितना भी टैक्स पे किया है इसका आपको क्या मिल जाता है? सेट ऑफ। उस सेट ऑफ को क्या बोलते हैं? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? अभी इतना ही समझना, आईटीसी आपको पूरा चैप्टर है। सोचो कि सर ने आईटीसी पढ़ा डाला, आईटीसी पूरा चैप्टर है, कम से कम 12 दिन चलेगा। कितने दिन? 12 दिन सिर्फ एक चैप्टर, वो क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है? मीनिंग, बिल्कुल शॉर्ट में। क्लियर? आगे देखो, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड। ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जीएसटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वैट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और बर्डन किसके ऊपर जाएगा? फाइनल कंज्यूमर। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा किसके ऊपर जाता है? फाइनल कंज्यूमर। जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इट विल बी पेएबल इन द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर फाइनली कंज्यूम। सेल टैक्स कौन से स्ट्रक्चर पे बेस्ड था? ओरिजिन। जीएसटी किस पे बेस्ड है? किस स्टेट को मिलेगा रेवेन्यू? जिस स्टेट में गुड्स और सर्विसेज क्या होंगे? कंज्यूम। ई पॉइंट देखो, एक्सपोर्ट आर नॉट टैक्सेबल। जीएसटी में एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं है। क्यों? प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है? आउटसाइड इंडिया। भाई एक्सपोर्ट क्यों टैक्सेबल नहीं है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है? आउटसाइड इंडिया। और जीएसटी अप्लाइज टू होल वर्ल्ड के होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। जब आप जीएसटी का सेक्शन 1 पढ़ोगे उसमें साफ लिखा है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गुड्स कहां जा रहे हैं? आउट ऑफ इंडिया। क्यों जीएसटी नहीं लग पा रहा? क्योंकि जीएसटी किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? और ये एक्सपोर्ट में प्लेस ऑफ कंजम्पशन इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट आर टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज इन, मैंने यूएस से गुड्स इंपोर्ट किए पूना, जीएसटी लगेगा कि नहीं? मैंने यूएस से गुड्स इंपोर्ट किए पूना, कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। रीजन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज इन इंडिया। एक्सपोर्ट क्यों टैक्सेबल नहीं है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज आउटसाइड इंडिया। कितने टाइप से इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिवाइड है? दो। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड, सेकेंड वन इज कंजम्पशन बेस्ड। जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड। जीएसटी के दो सबसे मेन एडवांटेज बोलो। पहले वैल्यू एडेड प्रिंसिपल पे लगता है, प्रीवियस स्टेज में जितना भी आपने टैक्स पे करके रखा है उसका आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। एक्सपोर्ट आर टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? व्हाई नॉट टैक्सेबल? प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है? आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट इज टैक्सेबल, व्हाई?
प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज इन इंडिया, क्लियर। जीएसटी काय पे बेस्ड है? वैट सिस्टम। आपको क्या देता है ये? इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लियर। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस का मिल सकता है? इनपुट काय का मिल सकता है? इनपुट। नोट्स मेरे लिए क्या है? नोट्स, इनपुट, पक्का है ना? इनपुट सर्विसेज का एक आध एग्जाम्पल बताओ, इनपुट सर्विसेज का कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। अरे लैपटॉप चलते चलते बंद हो गया, रिपेयर सेंटर वाले को बोला लैपटॉप सुधार के दे, मेरे लिए इनपुट है कि इनपुट सर्विस? इनपुट सर्विस। मैंने नया लैपटॉप लिया, कैपिटल गुड्स, इसका क्रेडिट मैं काय में से लूंगा? आउटपुट सप्लाई। काय में से लूंगा? आउटपुट सप्लाई, क्लियर। तीन चीजों का क्रेडिट मिल सकता है, कितनी चीजों का क्रेडिट मिल सकता है? तीन चीजों का। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकेंड वन इज इनपुट सर्विस, थर्ड वन इज कैपिटल गुड्स। काय में से मिलेगा? आपसे जो मैं फीस कलेक्ट करूंगा ये क्या है, इनपुट टैक्स है कि आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स, क्लियर। आउटपुट टैक्स में से मैं क्या क्या माइनस कर सकता हूं? इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, क्लियर। लैपटॉप, प्रोजेक्टर, नोट्स, नोट्स, इनपुट, क्लियर। लैपटॉप रिपेयर, कैमरा रिपेयर, नया कैमरा परचेज किया, कैपिटल गुड्स। तो क्रेडिट काय काय के लिए मिल सकता है? इनपुट, इनपुट सर्विसेज, क्लियर। अगर मान लो, ध्यान से सुनना बेटा, यहां मैंने टीवी लगवा दिया, सर से बोला मैंने क्या सर एक टीवी लगा दो बड़ा, तो क्रेडिट मिलेगा टीवी पे? हाँ मिलेगा ना, पक्का। तो सर जब लेंगे तो जितना भी जीएसटी पे करेंगे उसका क्रेडिट ले लेंगे। अब मान लो वो टीवी तो मैंने लिया, लेकिन वो टीवी ले जाके मैंने घर पे लगा दिया, अब क्रेडिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, कैपिटल गुड्स तो यहां भी था, घर पे भी कैपिटल गुड्स है। थोड़ा दिमाग चलाओ। पर्सनल, उसको क्या बोलेंगे? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। टीवी काय के लिए यूज नहीं हो रहा? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लियर। पर ऐसा नहीं है कि सभी चीजों पे क्रेडिट मिल जाएगा। कार वार परचेज करोगे, क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। प्रोजेक्टर में मिलेगा, टीवी, कैमरा, क्लियर हुआ। लैपटॉप, एक लैपटॉप मैं सिर्फ घर पे यूज करता हूं, पढ़ाने के लिए यूज ही नहीं हो रहा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट कब मिलेगा? जब कैपिटल गुड्स किस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लियर। क्या वैन? हाँ वैन काहे के लिए यूज हो रहा है? हाँ फिर मिल जाएगा। अगर नॉर्मल कंपनी है, मान लो मेरे एक इंस्पायर का ही है, अगर हमने एक वैन ले ली, क्या ले ली? वैन। और वैन का मेन पर्पस क्या है? स्टूडेंट को लाने ले जाने के लिए, ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, तो क्रेडिट मिल जाएगा। नॉर्मल केसेस में अगर आप कार परचेज करते हैं तो क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है। ओला वाले को मिल जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उसका काम ही वो है ना। स्टेट फ्रॉम विच गुड्स आर सप्लाइड विल नॉट गेट एनी टैक्स एज गुड्स आर कंज्यूम्ड इन अनदर स्टेट। इसीलिए जीएसटी को कौन सा टैक्स बोला जाता है? ओरिजिन बेस्ड की कंजम्पशन बेस्ड? कंजम्पशन बेस्ड, क्लियर। पहला पैराग्राफ पूरा क्लियर हो गया। अब देखो इसमें से याद क्या रखना है। सर जीएसटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जीएसटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वैट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कंजम्पशन बेस्ड है कि ओरिजिन बेस्ड? एक्सपोर्ट आर टैक्सेबल और नॉट? वाई? प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट आर? वाई? प्लेस ऑफ कंजम्पशन? जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? प्रीवियस स्टेज पे जितना भी आपने टैक्स पे करके रखा है उसका आप क्या ले सकते हो? क्रेडिट। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्रेडिट किस किस चीज का मिल सकता है? इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, क्लियर। चलो पॉइंट नंबर सेकेंड, अब क्या लिखा है? टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट। सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई, क्लियर। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। अब आप ये मत सोचना कि मैं सप्लाई आपको अभी पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रो बता रहा हूं। सप्लाई पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? सप्लाई। अभी सिंपल क्या है मालूम होना चाहिए कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। जीएसटी इज लेवीड ऑन काय पे?
सप्लाई, किस चीज का सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन इंडिया। सिंगल टैक्स है, काय पे लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाएगा? अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कंज्यूमर के ऊपर। जीएसटी में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? क्रेडिट ऑफ टैक्सेस मिल जाएगा, जो आपने कब पे करके रखे, प्रीवियस स्टेज। कैसे मिलेगा? सेट ऑफ। इसीलिए सिर्फ किसको टैक्सेबल किया जाता है? वैल्यू एडिशन। और फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाता है? फाइनल कंज्यूमर। क्लियर? अब सप्लाई में क्या क्या आएगा सर? सप्लाई में सबसे पहले क्या आएगा? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। क्लियर? देखो क्या लिख रहा हूं, वो ध्यान देना। ऐसे ही लिखना है। बोलो बेटा, समझ में आया क्या लिखा है मैंने? रेफर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने अभी आपको क्या बोला? सिर्फ क्या याद रखना है कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई को समझने के लिए, सप्लाई को समझने के लिए कौन सा सेक्शन रेफर करना है? सेक्शन 7 किस एक्ट का? सीजीएसटी एक्ट का। क्लियर? तो जब सप्लाई अपन पढ़ेंगे तो यहां से अपन पूरा सेक्शन 7 देख लेंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपके नोट्स में। क्लियर? अभी और कुछ याद नहीं रखना है। मैंने आपसे बोला टैक्सेबल इवेंट बोलो जीएसटी में क्या है, सप्लाई कौन से सेक्शन में दिया है पूरा? सेक्शन 7 विच एक्ट? सीजीएसटी एक्ट। क्लियर? मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। चलो, वॉट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा? समथिंग इन रिटर्न बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं अगर अपना मोबाइल सेल करूंगा तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा क्या? इधर बोलो फर्स्ट बेंच। मैंने अपना मोबाइल तुम्हें सेल किया, जीएसटी चार्ज करूं? क्यों? नेक्स्ट नेक्स्ट। सो बोलो, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना बोलने पे। इधर नहीं, इधर लास्ट में क्या सही है भाई? सिंपल है, अगर मैं अपना मोबाइल यहां सेल करूंगा तो उस पर जीएसटी तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्या मेरा मोबाइल सेल करना बिजनेस है? नहीं ना। अगर मान लो मैं मोबाइल शॉप ओपन कर लेता हूं और मोबाइल सेल करता हूं, अब क्लियर? तो जीएसटी के लिए जरूरी क्या है? सप्लाई होना चाहिए पहले, सेकंड क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन, और थर्ड रिक्वायरमेंट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मान लो अगर मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो जीएसटी चार्ज करूंगा क्या? पहली चीज तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। इन केस अगर पढ़ाया तो जीएसटी चार्ज करूंगा क्यों? कंसिडरेशन भी चाहिए। क्या क्या चाहिए जीएसटी के लिए? सप्लाई, कंसिडरेशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या बोला है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वेदर फॉर कंसिडरेशन और वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन आगे जब सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है। वो अपन सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मेन मेन चीजों पे काय पे ध्यान देना है? सप्लाई, कंसिडरेशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन एडिशन देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन विच वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन थो अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर हुआ? मतलब सेक्शन 7 जब आप पढ़ोगे, तो उसमें क्या बोल रहा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी क्या माना गया है? सप्लाई। तो इसको मैं एक्सेप्शन बोल सकता हूं। बेसिक रूल क्या बोल रहा है? सप्लाई, कंसिडरेशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल?
यस, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। कहां पढ़ेंगे वो? सेक्शन सेवन। सेक्शन सेवन क्या है? स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन सेवन क्या है? स्कोप ऑफ सप्लाई। क्लियर? अंडर जीएसटी सप्लाई हैज बीन डिवाइडेड इनटू कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है? दो। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और सेकेंड वन इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर? सबसे पहले उन्होंने बताया सप्लाई, अभी अपन उस पर नहीं गए। उसके बाद क्या बोला, कितने टाइप की सप्लाई है? दो। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। विच टाइप ऑफ जीएसटी शैल बी लेविड, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सप्लाई, वेदर सप्लाई इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर? आईजीएसटी के लिए कौन सा एक्ट देखेंगे, सीजीएसटी की आईजीएसटी? आईजीएसटी कौन सा सेक्शन? 5। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी। मतलब दो सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 9 और सेक्शन 5। सेक्शन 9 का है का सीजीएसटी और सेक्शन 5 का है का आईजीएसटी। सेक्शन 7, 8, 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्पेसिफाई द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इज डिटरमाइंड। जल्दी मुझे बताओ, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट काय पे डिपेंड करता है? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट काय पे डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और अगर बेटा डिफरेंट स्टेट है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कौन सा, यहां सेक्शन कौन सा लगेगा? 5। और यहां कौन सा लगेगा? सेक्शन 9। यहां 5 का है का आईजीएसटी, यहां 9 का है का सीजीएसटी। क्लियर? और हर स्टेट का एसजीएसटी का प्रोविजन अलग रहेगा, हर स्टेट का एसजीएसटी का प्रोविजन अलग रहेगा। क्लियर? अब जो कल चार्ट में बनाया था वही थ्योरी में दिया है ना, इसलिए देखो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार पहले चार्ट रहेंगे फिर थ्योरी, कई बार ऐसा भी हो सकता है पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर चार्ट्स पे। क्लियर? डन? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 6 पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पॉइंट नंबर 6 का हेडिंग? फ्रेमवर्क ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फ्रेमवर्क ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहला क्या लिखा है? डुअल जीएसटी। इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है? डुअल जीएसटी मॉडल, अंडरलाइन करना। इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है? डुअल जीएसटी मॉडल। क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच टेक प्लेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्या मतलब हुआ? कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर होगा, कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो उसमें किसके पास पावर है टैक्स लगाने का? सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई को टैक्सेबल करने का पावर सिर्फ किसके पास है? सेंटर के पास है। याद रखना, इंट्रा स्टेट सप्लाई को टैक्सेबल करने का पावर किसके पास है? सेंटर एज वेल एज स्टेट। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई को टैक्सेबल करने का पावर सेंट्रल के पास। टैक्स इज इंपोज कॉन्क्यूरेंटली बाय सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सेंटर इज ऑल्सो पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स एंड स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सर्विसेज। जीएसटी कहां पे एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जब सेक्शन 1 में जाएंगे तब देखेंगे। मुझे बताओ इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? वाई डुअल जीएसटी? दोनों के पास पावर है। सेंटर के पास किस किस चीज के लिए पावर है? इंट्रा के लिए भी और इंटर के लिए भी। लेकिन स्टेट के पास सिर्फ किस चीज के लिए पावर है?
इंट्रा स्टेट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? डुअल जीएसटी, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। क्लियर? आप देखो क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। व्हाट इज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क? कौन कौन से लॉ अपने को देखना पड़ेंगे? सबसे पहले एक्ट कौन सा काम में आएगा अपने को? सेंट्रल जीएसटी एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी। कहां से पास हुआ है? पार्लियामेंट। कहां से पास हुआ होगा? पार्लियामेंट। टू लेवी एंड कलेक्ट सीजीएसटी ऑन कौन से, इसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड फॉर अदर मैटर। क्लियर? मतलब इंट्रा स्टेट के लिए कौन सा एक्ट लगेगा? सीजीएसटी। कितने सेक्शन हैं इसमें? 174 सेक्शन। कितने सेक्शन हैं? 174 सेक्शन। और शेड्यूल कितने हैं? 3 शेड्यूल्स। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी कहां से पास होता है? पार्लियामेंट। ये भी कहां से पास होगा? पार्लियामेंट। काई के लिए? इंटर स्टेट सप्लाई एंड अदर मैटर। देखो फर्क, सीजीएसटी काई के लिए, इंट्रा की इंटर, इंट्रा, आईजीएसटी इंटर, सीजीएसटी काई के लिए इंट्रा, आईजीएसटी। सीजीएसटी में कितने सेक्शन है? आईजीएसटी में 25। तो मैक्सिमम टाइम अपना काई में जाएगा सीजीएसटी, क्योंकि काफी बड़ा एक्ट है। क्लियर? इसके बाद कौन सा एक्ट आता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कहां से पास होगा? पार्लियामेंट। इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहां पे होना चाहिए, विद इन यूनियन टेरिटरी के आउटसाइड यूनियन टेरिटरी? विद इन यूनियन टेरिटरी, विद इन यूनियन टेरिटरी। तो उसमें कौन सा एक्ट लगेगा? यूटी जीएसटी। कितने सेक्शंस हैं? कितने सेक्शंस हैं? 26। फिर इसके बाद एक और एक्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। ये भी कहां से पास हुआ? पार्लियामेंट। क्यों पास हुआ? क्योंकि स्टेट्स को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ स्टेट को? जीएसटी से पहले स्टेट कई सारे टैक्सेस लगाता था, जीएसटी आने के बाद वो सारे टैक्सेस हट गए, तो इससे लॉस किसको हुआ? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए एक लॉ प्रोवाइड बनाया गया, वो लॉ क्या कहलाता है? जीएसटी कंपनसेशन। इसका जो कंपनसेशन का पैसा आएगा सेंट्रल के पास, सेंट्रल ये पैसा किसको देगी? क्यों स्टेट को दे रही है? क्योंकि स्टेट को क्या हो रहा है? लॉस ऑफ रेवेन्यू। क्यों लॉस ऑफ रेवेन्यू? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के इंट्रोडक्शन से किसको लॉस हुआ? स्टेट। उस स्टेट को कंपनसेट कैसे किया गया? कंपनसेशन देके। तो उस कंपनसेशन के लिए भी क्या बनाया गया? एक्ट बनाया गया। वो एक्ट क्या कहलाता है? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। क्लियर? इसके बाद एसजीएसटी कहां से पास होगा? कितनी स्टेट्स है इंडिया में? 31। 28 क्या है? कंप्लीटेड स्टेट। हर स्टेट ने एसजीएसटी एक्ट पास किया होगा। क्लियर? सीजीएसटी कितने पास हुए होंगे? एक। आईजीएसटी एक। यूनियन टेरिटरीज, जितनी यूनियन टेरिटरीज है उसके हिसाब से। और हर स्टेट ने अपना क्या पास किया होगा? ये काय पे फोकस करेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड फॉर अदर मैटर। ये काय पे फोकस करेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड फॉर अदर मैटर। क्लियर? ये हमारा पूरा क्या हो गया? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ये हमारा पूरा क्या हो गया? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ये याद रखना सेक्शंस के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले कौन सा एक्ट पास हुआ होगा? सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, और लास्ट क्या लिख रहा है? एसजीएसटी। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट क्यों पास हुआ? क्योंकि जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद किसको लॉस हुआ? स्टेट को लॉस हुआ। काय का? रेवेन्यू लॉस। तो सेंट्रल ने क्या बोला? हम आपके रेवेन्यू लॉस को क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। और इसके लिए हम क्या पास कर दे रहे हैं? एक एक्ट। वो एक्ट क्या कहलाता है? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। क्लियर? देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन। कितने लेजिस्लेशन है?
एक ही है, कौन सा? सीजीएसटी एक्ट फॉर लेविंग सीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कंबाइन हो गया, चंडीगढ़, लद्दाख प्लस, यहां सब जगह क्या पास हुआ होगा? यूटी, जीएसटी, और इन तीन जगह क्यों? क्योंकि यहां पे उनका खुद का क्या है, कल पढ़ा था अपन ने, यूनियन टेरिटरीज कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? दो, फर्स्ट वन इज विथ स्टेट लेजिस्लेचर और सेकेंड वन इज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट वन इज विथ स्टेट लेजिस्लेचर और सेकेंड वन इज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, केस वन सॉल्व करो। लद्दाख में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, क्यों? लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, और दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, तो दिल्ली में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्लियर? पांडिचेरी में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दमन सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, पूना से दमन सप्लाई हुआ आईजीएसटी, पूना से दमन सप्लाई हुआ क्या लगेगा? आईजीएसटी, क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए थे नोट्स में देखो? फाइव। चलो पॉइंट नंबर सिक्स, बेटा ध्यान देना, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। ओल्ड स्ट्रक्चर में कितने टैक्सेस लगते थे? 18 टैक्सेस थे, ये हो भी सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। ओल्ड स्ट्रक्चर में कितने टैक्सेस थे? 18 टैक्सेस, और इसका जो रेवेन्यू आता था, क्या आता था? रेवेन्यू, वो किस किस के बीच में शेयर होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर? फिर इसके बाद आया क्या? जीएसटी आया, तो जीएसटी में एक क्या था? आईजीएसटी, एक क्या था? सीजीएसटी। आईजीएसटी जो था सेंटर, सीजीएसटी सेंटर, एसजीएसटी स्टेट, लेकिन स्टेट को क्या होने लगा? रेवेन्यू लॉस। क्यों रेवेन्यू लॉस होने लगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम क्या लगाएंगे? जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्या लगाएंगे? जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब ध्यान से सुनना, टैक्स और सेस में फर्क है। टैक्स का पैसा गवर्नमेंट किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, और सेस का पैसा सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज होगा? जिस पर्पस के लिए उसे कलेक्ट किया गया है। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए, इसीलिए सेस वहां पे वर्ड डाला गया, कंपनसेशन टैक्स नहीं है वो। टैक्स का पैसा अगर रहता वो तो कहीं पे भी यूज हो सकता है, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। यहां उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये पैसा गवर्नमेंट सिर्फ काय के लिए यूज करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए। क्यों स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ रहा है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को काय का लॉस हो रहा है? रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। किस चीज की वजह से? टैक्स और सेस का फर्क बोलो। टैक्स किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कंपनसेशन सेस का पैसा किस पर्पस के लिए यूज होगा? कंपनसेशन सेस का पैसा किस पर्पस के लिए यूज होगा? क्या किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकता है? नहीं। क्यों? इसका पैसा सिर्फ काय के लिए यूज होगा? स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने के लिए। क्यों स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ रहा है? लॉस ऑफ रेवेन्यू। क्यों लॉस ऑफ रेवेन्यू? इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब हम काय पे आ गए? एक ही टैक्सेबल इवेंट है, वन नेशन वन टैक्स, क्लियर? नोट करो।
चलो आज इतना ही, कल के लिए होमवर्क नोट करो, पॉइंट नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ये रीड करके आना है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। कल से अपन टाइम बढ़ाएंगे यहाँ धीरे धीरे, टाइम भी और स्पीड भी। अभी 2-1 दिन और थोड़ा स्लो चलूंगा मैं, जब तक फर्स्ट चैप्टर मैक्सिमम कंप्लीट नहीं होता। चलो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ होमवर्क कल के लिए 6:15।